कुंभ नगरी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आ रहे हैं। उनका स्वागत प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। यहाँ पर आकर के सर्वप्रथम वो पहले यहाँ पर स्नान करेंगे, उसके बाद में लगभग 5 से 6 घंटे वो कुंभ नगर में बिताएंगे। इस 5 से 6 घंटे में वो यहाँ पर सभी संतों व अखाड़ों के महामंडलेश्वरों से मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो यहाँ पर जो मुलाकात में जो मुद्दे उठाए जाएंगे संतों की तरफ से, वो मुद्दे राम मंदिर को लेकर के हो सकते हैं, सबरीमाला को लेकर के हो सकते हैं। आपको बता दें जो प्रयागराज की जो अभी भी सड़कें हैं वो ब्रिटिश सरकार के जो नाम पर हैं, और उम्मीद ये लगाई जा रही कि सभी संत जो हैं उन नामों को बदल करके अपने यहाँ के जो भी संत हैं, जो महापुरुष हैं, उनके नामों के नाम पर रखने के लिए अपील करेंगे। HS न्यूज़ के लिए मैं अवनीश अवस्थी, प्रयागराज।